व्हाट्स अप गाइस, हम हैं आपके जुड़वा सुशांत निशान। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। यस, तो गाइस जैसे कि आपको पता है, हम लोग हिंदी सॉन्ग्स भी रिव्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक है, कल भी हमने बॉलीवुड गाने करते हैं, ठीक है, हिंदी बॉलीवुड। तो सूर्यवंशी मूवी का एक गाना आया है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बिल्कुल, क्योंकि रोहित शेट्टी की फिल्म है और वाली मजेदार। रोहित शेट्टी के जितने भी फिल्म्स है वो मजेदार होती है, मजेदार। और इसमें उसके गाने भी अच्छे होते हैं, गाने भी बहुत सिलेक्टिव एकदम ये होते हैं, मजा आता है। बहुत सारे यार, क्या और एक बात अगर बोलू कि अज लग जगल समय ठा करके ठाठा करके ठाठा करके सारे। अरे अच्छा, अच्छे होते गाने भाई के। जब मतलब मैंने वो वाला जब ये जो अज लग जगल से मेरा, तो रेगेटन जो था वो इंडिया में पहला ही ये गाना सुना था। बिल्कुल, 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 मतलब पहले भी आए होंगे, पर मैंने इंटरनेशनली गाने। बिल्कुल सही बात। तो गाइस आयला रे आयला गाने का नाम है, सुनते हैं। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। थोड़ा सा ब्रेक था तो कुछ बहुत सारे न्यू रिलीजेस मिस हो गए। आपका काम है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन से गाने और चाहिए। बिल्कुल, तो आपके कमेंट हम लोग पढ़ते हैं और फिर रिव्यू करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना और नए हो तो चैनल को शेयर करना, क्योंकि 400,000 पहुंचने वाले हैं हम। बिल्कुल, 400,000 आपकी वजह से ही पहुंचेंगे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना। चलो लगा के चलो, आयला रे आयला सुनते हैं। बढ़िया, ऐसा एक पुराना भी गाना था अक्षय कुमार का ही, अपना यही नाम था, यही नाम का, यही नाम का एक पुराना गाना था, पुराना गाना था। चलो याद, मूवी का नाम क्या, खट्टा मीठा शायद ना। हाँ, तो चलो चलो ये सुनते हैं। ठीक है, बता देता हूं कि आयला रे आयला जो ओरिजिनल है प्रीतम, हाँ प्रीतम जी का म्यूजिक था उसमें, तो है वो है। तो वो पहले वाला जो था वही इतना पावरफुल गाना है कि अभी भी मैं क्लब में बजा। बिल्कुल, अभी भी लास्ट एंड में, हाँ मतलब इतना पावरफुल था कि क्या बताओ। अब ये वाला रिक्रिएशन देखते तो हम लोग दोनों भी अभी कंपेयर करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा कंटेंट हो गया है। एक्चुअली मजा आ जाएगा, मतलब भले कॉपीराइट लगता है बट मजा आएगा आपके लिए। आपके साथ अभी बात करने को थोड़ा डिटेल में मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, अभी सुनते हैं डिटेल में।
हो यार। सिंगम लगाई मेरे को, लगाई मेरे को, वाह फुल एनर्जी सही। भाई साहब कल से आप रिक्वेस्ट कर रहे थे, मैंने कल ही क्यों नहीं कर लिया इसको, ऐसा लग रहा है। तो भाई तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, फुल पावर मतलब सबसे पहले रोहित शेट्टी जो है, रोहित शेट्टी के गानों पे या मूवी में ये सब गाड़ी उछालना हाँ, ये सब रहेगा नहीं तो मजा ही नहीं आएगा। ये तो मेरे भाई हाथ का खेल है ऐसा वाला शॉट है, क्योंकि उनके बिल्कुल बताइए कि। तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ हमारे जो वीडियो टीम है, काफी अच्छा वीडियो शूट किया अभी, बहुत लोग है उसमें, सब लोग स्टंट आर्टिस्ट से लेके स्टंट मैन से लेके जितने भी, मतलब हर एक आदमी, हर एक प्रोडक्शन, मतलब आर्ट डायरेक्शन से लेके लाइट्स वाले से डीओपी एडिटर सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा वीडियो टीम का बिल्कुल। उसके बाद आते हैं बाबा की एंट्री, तो मजा आ गई थी बिल्कुल, बाबा की ऐसा ऐसा करके मेरी बाबा एक नंबर। हाँ सो रिवर्क बाय तनिष बागची ने प्रोग्राम एंड अरेंज किया है अभी का, दोनों में बहुत फर्क है। हाँ गाइस, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, पुराना अगर मैं आपको गाना बोलूँ तो उसके बीट में मतलब इसमें कहते धंग कटाकड़ तकड़ धंग कटाकड़ तकड़ धंग कटाकड़ ऐसा था, ठीक है। तो इसमें नए इसमें ऐसा है, और पीछे में मतलब पुराने वाले आयला रे आयला में बेस लाइन का बहुत ज्यादा खेल है, बहुत ज्यादा पंग 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 वो चल रहा है बेस लाइन में, और जो किक है एक्चुअली इसमें भी वो बेस लाइन है, बट वो बहुत नीचे बहुत नीचे, उसमें पहले वाले इसमें बहुत ज्यादा साउंड कर रही है, इसमें कम साउंड कर रही है, ठीक है ना, ये एक फर्क है। दूसरी बात बीट जो अरेंज किया है धंक, जो सुशांत ने अभी बताया अच्छे से, वो एक सीन अलग है। और एक बात ये एक उसमें इसमें ऐसा है, और इसमें ये एक इसमें, और बीच में कंपोजिशन इस वर्जन में चेंज है। हाँ बिल्कुल इसमें, हाँ इसमें चेंज है, रंग चढ़ा है तो मैं एक बात बोलता हूँ कि उधर देखो एडिशन, जब हम लोग है ना पंपी ट्रैक बनाते हैं ऐसे डांस वाला, तो पर्कशन सही धकड़ धकड़ तक धनकड़, बट प्रीतम भाई ने जो किया था पुराने गाने में बिना ऐसे ढंगड़ा धकड़ जो बीट में डांस डाल दिया था ना, बिल्कुल मतलब अभी भी अगर मैं बजाऊंगा तो मैं ओरिजिनल वाला पुराना वाला बजाऊंगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी अलग पावर है, वो एक अलग सीन है, ये एक अलग सीन है, दोनों मतलब वो उस टाइम के लिए बहुत अच्छा है, एग्जैक्टली, बट वो अभी भी चला सकता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये इस टाइम के लिए अपग्रेड है, बस इतना ही फर्क है, बाकी दोनों भी मास्टर में अलग एक मास्टर में अलग फील आ रहा है, ज्यादा बहुत ज्यादा खुल के है ट्रैक, अच्छा पूरा ये समझ में आ रहा है प्रॉपर, या बिल्कुल मजा आ गया गाइस। तो गाइस ये था वन टेक रिव्यू, अगर कुछ बातें छूट गई होगी तो माफ करना, और देखो यार ये सब अपने तीनों भी एक्टर की, या पूरे पीछे बैकग्राउंड डांसर से क्या एनर्जी थी सबकी, हाँ भाई साहब, हाँ पूरे बैकग्राउंड डांसर को भी दिल से प्यार, और मुंबई पुलिस की ही नहीं पूरे इंडिया के पुलिस की रिस्पेक्ट करो और बस रोहित शेट्टी की सच का ये होना चाहिए, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, मैं है कि नहीं, समझ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो पुलिस लोगों ने भी ये बढ़िया, सबकी रिस्पेक्ट, सबको प्यार ठीक है, बाकी क्या बोले यार, मतलब बहुत इतने बड़े प्रोडक्शन में अपन क्या बोलेंगे यार, इतने बड़े बड़े लोग हैं इसमें, क्या बात है, मजा आ गया, मतलब बट एज अ रिव्यू मैं आपको वन टेक में जो बताना चाहिए था बताया, क्योंकि दोनों भी मुझे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल
मजेदार है। हाँ। आपका काम यही है कि आप हमको सजेशन देते रहो, बिल्कुल, और हम लोग 4 लाख के करीब है, शेयर कर दो चैनल को और कमेंट में बताते रहो आपको कौन सा चाहिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय भारत। पीस आउट। Na 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 na